नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 सितंबर दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में रील बनाकर ऐसे जीते पुरस्कार। के पाठक ने शिक्षकों को दिया अब ये नया फरमान। डेंगू की जांच में तेजी लाने का हुआ निर्णय। पटना से दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना। वर्ल्ड कप 2023 के बाद राहुल द्रविड़ के हेड कोच रहने को लेकर अपडेट आई सामने। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय स्टेट बैंक में 2000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू। सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 2000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर करियर सेक्शन में एक्टिव लिंक पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। वहीं अगर इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवारों की आयु 1 अप्रैल 2023 को 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार जारी किए गए नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। बिहार में रील बनाकर ऐसे जीते पुरस्कार। अगर आप भी रील बनाने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा एक रील मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें बिहार के पर्यटन स्थलों, खान पान एवं संस्कृति से संबंधित रील बनाकर आकर्षक पुरस्कार जीता जा सकता है। मालूम हो कि इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को पुरस्कार के रूप में 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं दूसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को 50,000 रुपए, तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागी को 25,000 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। वहीं राशि के साथ तीनों विजेताओं को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार के रूप में 10 प्रतिभागियों को 10,000 रुपए प्रति प्रतिभागी दिए जाएंगे। ऐसे में जो इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, वे 15 सितंबर 2023 तक भाग ले सकते हैं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए http://tourism.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अब बिहार में तेजी से गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा। अगर आप भी तेजी से वाहन चलाते हैं तो सावधान हो जाए। दरअसल अब बिहार में तेजी से गाड़ी चलाने वालों पर नकेल कसा जाएगा। बता दें कि बिहार के सभी जिलों में नियम तोड़ने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाने के लिए अत्याधुनिक 23 इंस्पेक्टर वाहन खरीदे जाएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से 5,08,12,000 रुपए की राशि आवंटित भी कर दी गई है। ऐसे में अब बहुत जल्दी राज्य के सभी जिलों में लोगों को जुर्माना इंस्पेक्टर वाहनों से वसूला जाएगा। मालूम हो कि इंस्पेक्टर वाहन वैन और बाइक दोनों होते हैं, जिसमें अत्याधुनिक कैमरे लगे होते हैं और इसे उन स्थानों पर खड़ा किया जाता है जहां लोग नियमों का पालन नहीं करते। मिली जानकारी के अनुसार 10-10 इंस्पेक्टर वाहन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे तुतला भवानी झरना के बारे में। तुतला भवानी, जिसे तुतला या तुतला धाम के नाम से भी जाना जाता है, डेहरी ऑन सोन से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह स्थान देवी मां तुतला भवानी के मंदिर और अविश्वसनीय झरने के लिए जाना जाता है। तुतलेश्वरी भवानी मंदिर के आसपास की प्राकृतिक छटा मनोरम है। महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा तुतराही जलप्रपात के मध्य में स्थापित है। पूरे रोहतास व कैमूर जिले में इस प्रकार का अद्भुत जलप्रपात नहीं है। तुतला भवानी शहर के शोर और प्रदूषण से मुक्त सबसे सुंदर जगह है। झरने के साथ पहाड़ी दृश्य अद्भुत है, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हाल के दिनों में वन विभाग द्वारा इस स्थल को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया गया है। सड़क, झूला, पुल, ई रिक्शा सहित यहां सारी पर्यटक सुविधाएं मौजूद है। यह रोहतास जिले का सर्वाधिक सुरम्य स्थान है। यहां उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व की ओर से 2 ऊंची पहाड़ियों के बीच लगभग 1 मील लंबी तथा हरियाली से भरी घाटी, सामने प्रपात और घाटी के बीच से कलकल कर बहती कछुआ नदी का पानी अद्भुत दृश्य उपस्थित करता है। बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जिलों में बनेगी कमेटी। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह के द्वारा राज्य के सभी जिलों को पत्र लिखकर यह जानकारी दी गई है कि किशोर व स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी की शुरुआत की जाएगी, जिसके अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के सहयोग से संचालित राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 10 से 19 वर्ष के बीच के किशोर किशोरियों को किशोर स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से सेवाएं दी जा रही है। मालूम हो कि इस योजना के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर व प्रजनन दर घटाने पर भी काम किया जा रहा है। स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्ताह में 1 दिन आयरन फोलिक एसिड टेबलेट का वितरण किया जाता है। वहीं उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य की भी जांच होती है।
आदित्य L1 ने ली सेल्फी, इसरो ने शेयर की तस्वीर। चंद्रयान 3 के बाद अब आदित्य L1 के द्वारा तस्वीर भेजा गया है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा शेयर किया गया है। बता दें कि आदित्य L1 के द्वारा पृथ्वी और चांद की तस्वीर भेजी गई है, जिसकी जानकारी देते हुए इसरो द्वारा इसे एक्स पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के लिए नियत सेल्फी लेता है और पृथ्वी और चंद्रमा की छवियां। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य L1 को 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ऐसे में अब 128 दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में स्थापित करने का काम किया जाएगा, जिसके बाद वह सूरज की रोशनी, प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र की स्टडी करेगा। KK पाठक ने शिक्षकों को दिया अब ये नया फरमान। इन दिनों बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक के द्वारा लगातार कई फरमान जारी किए जा रहे हैं, जिनमें से कई फरमान का शिक्षकों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा। इसी कड़ी में अब KK पाठक की ओर से शिक्षकों के लिए एक और नया फरमान जारी किया गया है, जिसके तहत शिक्षकों को कहा गया है कि अब अगर सरकारी स्कूल में मेन गेट और क्लासरूम के ताले बच्चे से खुलवाए जाते हैं तो संबंधित दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस बारे में विभाग की ओर से सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसे में अब KK पाठक के इस नए फरमान से शिक्षकों और हेडमास्टरों में खलबली मच गई है। मालूम हो कि KK पाठक के इस तरह के फरमान को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार के द्वारा उनके काम को सराहा गया है, तो वहीं दूसरी ओर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर के द्वारा उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। कथित तमिलनाडु हिंसा मामले में जेल में बंद मनीष कश्यप की मां मधु देवी के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु सीएम M.K. स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर NSA लगाने की मांग की गई है और कहा गया है कि अगर मेरे बेटे की वजह से दो राज्यों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हुई तो एक मुख्यमंत्री का बेटा जो तमिलनाडु में एक मंत्री है उदयनिधि स्टालिन उसके सनातन विरोधी बयान से पूरे देश में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, फिर उन पर अब तक NSA क्यों नहीं लगाया गया और जेल में क्यों नहीं भेजा जा रहा। उन्होंने कहा कि अगर संविधान सबके लिए बराबर है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे पर भी NSA लगाया जाए और तमिलनाडु में प्रवासी मजदूर के साथ जो घटना घटा था उसका सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित स्वतंत्र कमेटी के द्वारा जांच करवाई जाए। देश की महामहिम से इंसाफ की उम्मीद करती हूं मैं। गेंदे के फूल की खेती करने पर पाया अनुदान। अगर आप भी गेंदे के फूल की खेती करने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत गेंदे के फूल की खेती करने पर सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है, जो कि 70% होता है। हालांकि इसके लिए इकाई लागत 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए, यानी कि अगर किसान 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करता है तो उसे सरकार की ओर से अनुदान राशि के रूप में 28,000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसे में अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं और गेंदे की खेती कमाई करना चाहते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठाने हेतु और ऑनलाइन आवेदन करने हेतु https://horticulture.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। पटना से दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना। आने वाले समय में पटना से दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई जा रही है। बता दें कि वर्तमान में पटना से रांची के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जा रहा और अब बहुत जल्दी पटना से हावड़ा के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने वाली है। हालांकि ये दोनों ट्रेनें सीटर है, ऐसे में पटना से दिल्ली के लिए चलने वाली ट्रेन पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। ऐसा करने से यात्रियों को और भी आरामदायक सफर मिलेगा। इसको लेकर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मार्च 2024 तक इसकी रैक पटरी पर आ जाएगी। हालांकि इस बारे में अब तक रेलवे की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ भी बयान नहीं दिया गया है। अब चोरी छिपे कैदी नहीं कर सकेंगे फोन पर बात। जेलों में कई कैदी ऐसे होते हैं जो चोरी छिपे फोन पर बात करते हैं, लेकिन अब उनका बात करना मुश्किल होने वाला है क्योंकि बहुत जल्दी बिहार के 15 जेलों में कॉल ब्लॉकिंग टावर लगाए जाने वाले हैं, जिससे कि अब कैदी चोरी छिपे भी फोन पर बात नहीं कर पाएंगे। बता दें कि अगर जेलों में ये कॉल ब्लॉकिंग टावर लगाए जाते हैं तो उसके बाद एक निश्चित परिधि के अंदर मोबाइल नेटवर्क ड्रॉप हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार गृह विभाग के द्वारा पहले चरण में राज्य के 8 केंद्रीय कारा समेत
15 जेलों में इस टावर को लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें पटना स्थित आदर्श केंद्रीय कारा बेउर, बक्सर केंद्रीय कारा, भागलपुर केंद्रीय कारा, भागलपुर विशेष केंद्रीय कारा सहित खुदीराम केंद्रीय कारा, मुजफ्फरपुर, गया केंद्रीय कारा, मोतिहारी केंद्रीय कारा पूर्णिया, दरभंगा जिला कारा, छपरा जिला कारा, मुंगेर जिला कारा, सहरसा जिला कारा, फुलवारी शरीफ जिला कार्यालय, दानापुर उप कारा, पटना सिटी उप कारा जेल शामिल है। डेंगू की जांच में तेजी लाने का हुआ निर्णय। बिहार में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा राज्य के सभी सिविल सर्जन व मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक व प्राचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में मच्छरदानी के साथ कम से कम 20 और सदर अस्पतालों में कम से कम 10 बेड को आरक्षित रखा जाए और जरूरत के अनुसार बेडों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। मरीजों की वास्तविक जानकारी मिल सके इसके लिए निजी लैबों में हो रही जांच का आंकड़ा एकत्रित किया जाए। जिन जिलों में डेंगू के मामले ज्यादा मिल रहे हैं उन्हें अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने अस्पतालों के प्रभारियों को खुद राउंड लगाने को कहा है। मेडिकल कॉलेज में सुबह शाम एंटी लार्वा और फॉगिंग किया जाए और इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए समाचार पत्र, रेडियो, टीवी के अलावा माइकिंग की मदद ली जाए। बिहार में अब बिना फुटपाथ नहीं होगा सड़क का निर्माण। सड़कों के किनारे फुटपाथ न होने की वजह से पैदल सफर करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और साथ ही कई बार वे किसी दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए और दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सड़क सुरक्षा नियम के तहत सभी जिलों में बन रही सड़कों किनारे फुटपाथ के निर्माण को अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि बिहार में किसी भी सड़क का निर्माण अब बिना फुटपाथ के नहीं होगा। इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से सड़क निर्माण करने वाले विभाग एजेंसी को इसकी जानकारी दे दी गई है। बता दें कि परिवहन विभाग की समीक्षा में जिलों से मिली रिपोर्ट से यह बात निकलकर सामने आई है कि फुटपाथ नहीं होने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। भारत ने अब तक 5G मोबाइल सब्सक्रिप्शन में इतने यूजर्स जोड़े। एरिक्सन मोबिलिटी के रिपोर्ट के अनुसार दूसरी तिमाही के दौरान भारत में सबसे अधिक शुद्ध वृद्धि हुई है। बता दें कि दूसरी तिमाही में ग्लोबल 5G सब्सक्रिप्शन में 175 मिलियन की वृद्धि हुई है, जबकि इस अवधि में 7 मिलियन से अधिक नए यूजर के साथ भारत में समग्र मोबाइल सब्सक्रिप्शन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार दूसरी तिमाही में शामिल होने से 5G सब्सक्रिप्शन की वैश्विक संख्या 1.3 बिलियन के करीब पहुंच गई है। दूसरी तिमाही में मोबाइल सब्सक्रिप्शन की संख्या कुल 8.3 बिलियन हो गई है, जिसमें तिमाही के दौरान 40 मिलियन सब्सक्रिप्शन की शुद्ध वृद्धि हुई है। वहीं यूनिक मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या 6.1 बिलियन थी। मालूम हो कि रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 260 कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा कमर्शियल 5G सर्विस लॉन्च की गई है और लगभग 35 CSP के द्वारा 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क लॉन्च किया गया है। बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में इन दिनों कई जिलों में तेज बारिश तो कई जिलों में तेज धूप से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। विभाग ने 11 सितंबर तक प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। बता दें कि आज को लेकर जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज राज्य के उत्तरी, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के जिलों के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है और साथ ही कैमूर, रोहतास, गया और बांका जिलों के एक या दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग की ओर से यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल यानी कि 9 सितंबर को राज्य के उत्तर पश्चिम के और दक्षिण पश्चिम भागों के जिलों के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और बक्सर जिलों में एक या दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। बिहार के सरकारी स्कूल के 6 बाल वैज्ञानिक जाएंगे जापान। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सकुड़ा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 सरकारी स्कूलों के उच्च माध्यमिक स्कूल के 11वीं और 12वीं के 6 बच्चे बाल वैज्ञानिक बनकर दिसंबर में जापान जाएंगे। बता दें कि सभी बच्चे चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस और कई विज्ञान प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर विजेता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर से 60 बाल वैज्ञानिकों का जापान विजिट के लिए चयन किया गया है। चयन के लिए मैट्रिक के अंक और विज्ञान प्रतियोगिता में छात्रों की अलग अलग उपलब्धि को देखा जाता है और ऐसा पहली बार हुआ है कि इसमें बिहार के सरकारी स्कूल के छात्रों को भी शामिल किया गया है। अब तक इसमें केवल निजी स्कूल के छात्र ही चयनित होते थे। भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मियों से 20 लाख की लूट।
बीते दिन बिहार की राजधानी पटना के अगम कुआं थाना क्षेत्र के मेरी बिहार कॉलोनी के नजदीक में भारत फाइनेंस कंपनी के दो कर्मियों से बाइक सवार बदमाशों के द्वारा हथियार के बल पर 20 लाख रुपए से भरे बैग की लूट कर ली गई। बता दें कि कंपनी के दोनों कर्मी इस पैसे को बैंक ऑफ इंडिया में जमा करने जा रहे थे। वहीं जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस के द्वारा उस इलाके में और उसके आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे की छानबीन कर अपराधियों को पकड़ने में जुट गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जहां पर यह लूट की घटना घटी है वहां खुद सीनियर पुलिस अधिकारी पहुंचे और पीड़ित स्टाफ से पूछताछ कर जानकारी हासिल कर रहे हैं। बीटीएमसी के नए भवन का उद्घाटन करने आज गया जाएंगे सीएम नीतीश। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर की कमेटी के कार्यालय का नया भवन 30 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में जनसंपर्क विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 8 सितंबर को यानी कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करने गया जा रहे हैं। इसके अलावा इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा गया में 1100 बेड की भव्य धर्मशाला का भी शिलान्यास किया जाएगा। ऐसे में सीएम नीतीश के आगमन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। बीटीएमसी अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस कार्यालय में बौद्ध भिक्षु सहित अनेक प्रमुख लोगों के लिए अंदर में आवासन स्थल भी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यालय का निर्माण आधुनिक यंत्रों से किया गया है, उसके ऊपर किसी भी तरह के हमले या वज्रपात का असर नहीं होगा। बता दें कि मंदिर को चलाने के लिए विभिन्न बौद्ध देशों व बौद्ध अनुयायियों द्वारा राशि दान में दी जाती है। केंद्र सरकार पर इस वजह से भड़के आरजेडी सांसद मनोज झा। बीते दिन आरजेडी सांसद मनोज झा केंद्र सरकार पर भड़कते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झूठ मूठ का आप लूडो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दी कि मनोज झा के द्वारा ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि 18 से 22 सितंबर तक केंद्र सरकार के द्वारा संसद में विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और उस सत्र में क्या एजेंडा होगा इसके बारे में अभी कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य सत्र नहीं है, विशेष सत्र है। आज तक जितने भी विशेष सत्र बुलाए गए हैं उसके बारे में सभी को मालूम होता था कि वो सत्र क्यों बुलाया जा रहा। उन्होंने कहा कि मैं यह भी जानता हूं कि प्रहलाद जोशी को भी इस बारे में नहीं पता होगा कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। यहां तक कि पीयूष गोयल को भी इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। इसकी जानकारी सिर्फ पीएम मोदी और अमित शाह को है, बाकी किसी को नहीं। ऐसे में इस तरह संसदीय परंपराओं का एक तरह से कत्ल हो रहा है। जगदानंद के विवादित बोल के बाद राजद को जदयू की नसीहत। राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा तिलक लगाने वाले को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बिहार के सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं अब जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री जमा खान के द्वारा इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि किसी को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारे नेता नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। हम भी देश को जोड़कर रखते हैं, सबको साथ लेकर चलना है। जेडीयू के किसी नेता ने आज तक इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। सभी समुदाय के लोगों में आपस में प्रेम रहे और देश में भाईचारा बना रहे, यही प्रयास रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को अपने अपने नियम के अनुसार चलने का अधिकार है। वर्ल्ड कप 2023 के बाद राहुल द्रविड़ के हेड कोच रहने को लेकर अपडेट आई सामने। वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर से होने वाली है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि पीटीआई के अनुसार भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ वर्ल्ड कप के बाद अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि भारत अगर वर्ल्ड कप जीतने में सफल हो जाता है तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि बीसीसीआई के एक पूर्व पदाधिकारी के द्वारा पीटीआई से बात करते हुए बताया गया था कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीत जाता है तो राहुल द्रविड़ खुद अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, वह इस जीत के साथ विदाई लेना चाहते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर राहुल द्रविड़ कोच के पद से हटते हैं तो उनकी जगह पर आशीष नेहरा को रखा जा सकता है, लेकिन इस बारे में आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। गाजी मलिक 1320 में दिल्ली का सुल्तान बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1942 को मुंबई सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। आजादी के बाद पहली बार केंद्र में सरकार चला रही पार्टी को 1967 में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में संयुक्त राष्ट्र शांति शिखर सम्मेलन के दौरान हिंदी में भाषण देते हुए पाकिस्तान को लताड़ा।
सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 में कैनफिना म्यूचुअल फंड घोटाले मामले के मुख्य अभियुक्त और शेयर दलाल केतन पारिख व अन्य आरोपियों को जमानत दी। भारत ने विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्सकोव को नए कलपुर्ज लगाकर तैयार करने के लिए 2009 में रूस को 10 करोड़ 20 लाख डॉलर दिए। हिंदी के यशस्वी कहानीकार राधा कृष्ण का जन्म 1910 को हुआ था। गीतकार, संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था। 20 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गा चुकी आशा भोसले का जन्म 1933 को हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य रहे फिरोज गांधी का निधन 1960 को हुआ था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का निधन 1982 में हुआ। आज के दिन को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वेलकम, आज हम बात करेंगे लॉकडाउन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लॉकडाउन के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली के सभी जिले 8 से 10 सितंबर 2023 तक लॉकडाउन रहेंगे। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह नकली है। प्रतिबंध केवल NDMC क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से में लगाए गए हैं। व्हाट्सएप में जल्द आप बिना नाम डाले भी क्रिएट कर पाएंगे ग्रुप्स। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के जरिए बताया है कि जल्द यूजर्स को व्हाट्सएप में एक नया फीचर मिलेगा, जिसकी मदद से वे बिना नाम डाले भी दोस्तों के साथ ग्रुप्स बना पाएंगे, यानी ग्रुप नेम की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल व्हाट्सएप में ग्रुप्स बनाने के लिए उसका नाम रखना जरूरी होता है, जबकि फोटो और ग्रुप डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है। जल्द यूजर्स को ग्रुप्स के साथ भी लिबर्टी मिलेगी और वे बिना नाम के भी ग्रुप बना पाएंगे। हालांकि इस स्थिति में व्हाट्सएप अपने आप ग्रुप में मौजूद लोगों के नाम के आधार पर ग्रुप का नाम रख लेगा। यदि एडमिन को यह पसंद नहीं आता है तो वे इसे किसी भी समय बदल सकते हैं। बिना नाम वाले व्हाट्सएप ग्रुप में केवल 6 लोग ही ऐड हो पाएंगे। अगर 6 लोगों से ज्यादा का व्हाट्सएप ग्रुप बनता है तो आपको ग्रुप को नाम देना ही होगा। इसके अलावा बिना नाम वाले ग्रुप में प्रत्येक प्रतिभागी के फोन में ग्रुप का नाम अलग अलग दिखाई देगा, यानी ग्रुप मेंबर ने जिस नाम से लोगों के कॉन्टेक्ट सेव किए होंगे उस आधार पर हर किसी के फोन में ग्रुप का नाम आएगा। 10वीं 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि नहीं बढ़ेगी आगे। अगर आप भी 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि CBSE की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी गई है कि 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को आगे विस्तृत नहीं किया जाएगा। बता दें कि बोर्ड की ओर से परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक निर्धारित की गई है। वहीं विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 15 अक्टूबर तक भरा जा सकता है। इन सब के अलावा बोर्ड के द्वारा परीक्षार्थी के अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे परीक्षा फॉर्म में छात्र की पूरी जानकारी सही दे, वो खुद परीक्षा फॉर्म में दी गई जानकारी की जाँच करे। वहीं अगर जाँच के दौरान किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसकी जिम्मेवारी स्कूल और परीक्षार्थी के अभिभावक की होगी। इसमें सुधार करने का मौका बोर्ड की ओर से नहीं दिया जाएगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए पांचों सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यहां हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने अपना नया इनोवेशन कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी गूगल पे, ऑप्शन सी फोन पे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेटीएम। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने श्री राम राजा लोक की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में किस देश में गाय यात्रा उत्सव मनाया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी जापान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेपाल। अगला सवाल, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी आरण्यक, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी सामवेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अथर्ववेद। अगला सवाल, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी निम्न में से कहां से मिलती है? ऑप्शन ए विनय पिटक से, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय से, ऑप्शन सी कल्प सूत्र से, ऑप्शन डी दिग् निकाय से।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय से। बीते दिन हमारे तरफ पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे तरफ पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, इमरान नजीर, नुनू गोलू कुमार, संजय पांडे, मोहम्मद फहीम, रविशंकर, विकास दास, उमेश ऋषिदेव, अनवर करीम खान, प्रहलाद कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, कुश कुमार यादव, करण आर्या, पंकज कुमार दास, अतीक खान, पवन सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है डेंगू से बचाव करने के लिए आप क्या क्या उपाय करते हैं। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।